ये लोग परेशान करते हैं, कुछ लेने जाते हैं तो मारते पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बहुत बार हम सब जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधवा महिला मांग रही है न्याय। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक विधवा महिला न्याय की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हो चली है। कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी इस विधवा महिला को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु होने के बाद से आज तक ससुरालजनों द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिखित शिकायत कई मर्तबा करने के बाद भी हालात आज भी पहले जैसे बने हुए हैं। शहर की आलमपुरा निवासी अंजू सिंह ने एसपी महोबा के चौखट पर पहुंच न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। अंजू की शादी रपुरा खुर्द निवासी महिपाल सिंह से साल 2012 में हुई थी, जिसके बाद 3 वर्षों तक सभी कुछ सही चलता रहा, लेकिन 2015 में अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। तब से लगातार अब तक उसे लगातार ससुरालियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। विधवा अंजू के 7 वर्ष की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा भी है। अंजू का आरोप है कि ससुराल पहुंचने पर उसके साथ मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत उसने कई मर्तबा पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। फरियाद लेकर थाने पर पहुंच उसे एसपी से मिलने की हिदायत दी जाती है, और जब एसपी के पास पहुंचो तो उसे थाने जाने को कहा जाता है, जिससे वो पूरी तरह से आजीज आ चुका है। ना तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है और ना ही अब तक उसे न्याय मिल सका है। विधवा महिला का कहना है कि उसके 2 बच्चे भी हैं, आखिर इतने बुरे हालात में वे बच्चों की परवरिश करें भी तो कैसे करें। एसपी के यहाँ जाओ, एसपी बोलती है वहाँ जाओ, कोतवाली में भी गई, हर जगह रिपोर्ट दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। आज आप कहाँ पर आई? फिर से एसपी के यहाँ आई हूँ। क्या कार्रवाई चाहती है, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना हो रहा है हमारा हिस्सा दें, और जो खेती ये बेच रहे हैं हमें बिना बताए सारी खेती मेती बेच रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं हमें। हम चाहते हैं हमारा जितना बन रहा हमारा हिस्सा दें, और उससे हमें कोई मतलब नहीं। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।